फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिमेश फिर स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंस पे। आज दोस्तों हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेने वाले हैं, 30 मिनट ऑफ एक्सरसाइज। 30 मिनट एक्सरसाइज, 30 मिनट एक्टिव रहना आपके शरीर में क्या परिवर्तन ला सकता है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आई एम 100% श्योर आपको बहुत फायदे आएगी। हम टोटल 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये आपको कैसे शरीर में बदलाव लेके आता है। सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज इम्यूनिटी। आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? आपकी बॉडी जब एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी वार्म रहती है। जब बॉडी आपकी वार्म होती है, तब आप शरीर में जो भी इंफेक्शंस हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये हीट के जरिए अपनी बॉडी शरीर से बाहर कर देती है। इसलिए आपकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग, आपकी इम्यूनिटी अपने आप बन जाती है। पॉइंट टू, कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स। कॉन्सेंट्रेशन स्किल्स आपकी ऐसे बढ़ती हैं, आपके दिमाग का फूड है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी को प्रचुर मात्रा में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचती है, जिसके द्वारा आपके दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। आपके दिमाग की ब्रेन कैपेसिटी आपकी बढ़ने लगती है, जो कि आपको हेल्प करता है अच्छा सोचने में, क्रिएटिविटी में। आप जो भी काम आप करते हैं, आप वो पहले से भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगला पॉइंट, आप अगर टफ ट्रीटमेंट से जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट जो कि शरीर को पूरे तरीके से तोड़ देता है, तो साइंटिफिकली ये देखा गया है कि वो एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, एक्टिव रहना, 30 मिनट चलना या किसी भी तरीके का एक्सरसाइज, श्रम करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वो आपके लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, जो हमने बात की, अच्छे से पहुंचते हैं, आपकी मसल स्ट्रांग होती हैं और नए सेल जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये आपको इस तरीके की बीमारी से लड़ने में और उससे बाहर आने में बहुत ही मदद करेगा। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो लेडीज और जेंट्स में पाया जाता है, जो कि लेडीज में ये ब्रेस्ट कैंसर का सबसे प्रमुख कारण है। ये जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल आपके शरीर में डाउन होने लगता है, इसी के कारण आपको ये बीमारी होने के चांस एडवांस में ही कम हो जाएंगे। अगला पॉइंट, गुड मूड। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप रिफ्रेश फील करते हैं, तो आपका दिन भर मूड अच्छा होता है, आपको गुस्सा कम आता है और आप एंग्जाइटी फील नहीं करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आपका दिन बिजी है, अगर आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका पूरा दिन अच्छे जाने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगला पॉइंट, पेन टॉलरेंस। आपके शरीर में जब आप किसी, आपको कोई बीमारी है या आप कहीं गिर गए हैं, आपको लग गई है, तो आपको जल्दी ही बड़ी चोट होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स बहुत अभी स्ट्रांग हैं। आपको कोई बड़ी बीमारी होने के चांस या आपकी मसल्स में या किसी भी तरीके की आपकी बोन में इशू होने के चांस बहुत लेवल तक कम हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, मतलब जब आप एज के साथ आगे धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की तरफ बढ़ते हैं, अपने आप आपका मेमोरी लॉस बहुत लोगों में आजकल देखा जाने लगा है। जो हम बात की कि अब एक्सरसाइज कर रहे, जो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसने आपका दिमाग को, मसल्स को स्ट्रांग कर दिया है। अब आपकी मसल्स, दिमाग की इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि आप इस तरीके की बीमारी, मेमोरी लॉस, ऐसी किसी भी चीज होने के चांसेस बहुत लेवल तक कम हो जाते हैं। एक तो बहुत ही नॉन फैक्ट है, हम जब इतनी एक्सरसाइज करेंगे, तो आपके पेट पे, आपके शरीर में जहां पे भी एक्सेस फैट जमा हो गया है एक्स्ट्रा कुछ भी खाने के कारण, वो धीरे धीरे एक्सरसाइज से आपका कम होने लगता है। तो आपका बॉडी का लीन मास, मतलब आपका शरीर बहुत ही अच्छा लीन, और आपकी बॉडी में सिर्फ स्ट्रांग मसल्स रह जाती हैं, नेगेटिव जितना भी फैट है, सभी चीज आपके शरीर से वो बाहर निकल जाती हैं। आपका वेट लॉस बहुत ही हो सकता है अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें। तो आपके की ऑर्गन्स, जो आपके हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपकी पूरी बॉडी की मसल्स हैं, लीवर है, किडनी है, ये सभी एक्सरसाइज के कारण बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन से लेके वाटर सर्कुलेशन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन आपकी बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो बहुत ही अच्छे से होता है, इसीलिए आपके सभी ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसी पॉइंट को अगर हम आगे समझना चाहें, तो जब आपके ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आज या बाद में कभी भी आगे की आपकी एज में भी वो ऑर्गन के फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे, तो अगर आप एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, तो आपकी बॉडी कोलेस्ट्रॉल और अदर जो भी फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उनको बर्न कर देती है, आपके शरीर से बाहर निकाल देती है, तो आपको हार्ट अटैक के चांस बहुत कम हो जाते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप देखेंगे तो आपका बहुत ब्रीथिंग फास्ट होती है, आपकी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाती है। जब आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, वो आपका हार्ट जोर जोर से पंप करने लगता है। जब हार्ट जोर जोर से रेगुलरली पंप करता है, वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाता है, तो हार्ट अटैक के चांस अपने आप ही कम हो जाते हैं। आप जब एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी में जितना भी एक्सेस ग्लूकोज है, जो आपने खाया हुआ है, आपके बॉडी में ब्लड में फ्लो कर रहा है, वो एक्सरसाइज करने के कारण पूरी बॉडी कंज्यूम कर लेती है। तो आपका पूरा का पूरा शरीर का एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी ने पहले ही कंज्यूम कर लिया, तो बॉडी में इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं है, आपको इंसुलिन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आपको डायबिटीज होने के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर आपको डायबिटीज है और आप रोज 30 मिनट चलते हैं, आपको इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के चांस भी बहुत लेवल तक कम हो जाएंगे।
आगे की बात करें, आपको क्रॉनिक डिजीजेस होने का, किसी भी तरीके की और लंबी बड़ी बीमारी होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। आखिरी में बात करना चाहूंगा, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो जो आजकल हम लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपको, आप चाहते हैं कि आप अच्छे दिखें, तो अच्छे दिखने के लिए जब आप रोज रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे आपकी बॉडी में स्वेटिंग होगी, आपकी मसल्स में से पसीना बाहर निकलेगा और वो आपकी स्किन हमेशा ग्लो करेगी। आप अच्छे दिखेंगे, आप अच्छे दिखेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, और आप अच्छा फील करेंगे तो आई एम 100% श्योर आप लंबा जिएंगे। अगर आप ज्यादा जीना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तो 30 मिनट एक्सरसाइज को अपने रूटीन में रेगुलर लाने की कोशिश करें। इफ यू आर एंजॉइंग आवर वीडियो, इफ यू लाइक्ड आवर कंटेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। एंजॉय।